स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, लोगों के बीच अक्सर इस बात को लेकर वाद विवाद चलता है कि आखिर कौन सी चीज ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा बेहतर है या ज्यादा कारगर है। वो चीजें जिन्हें इंसान ने अपने हाथों से बनाया है या वो चीजें जिसे कुदरत ने अपने हुनर से तराशा है। क्या हजारों साल से खड़े उन पहाड़ों की सुबह ज्यादा खूबसूरत है या ताजमहल को देखते हुई ढलती वो शाम? क्या नदी में बहते हुए उस पानी की ध्वनि ज्यादा मधुर है या स्पीकर से निकलने वाली आवाज? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इंसान की बजाय कुदरत यानी नेचर को ही चुनेंगे। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये उस कुदरत का ही करिश्मा है जिसने हमारी दुनिया में इतने विभिन्न प्रकार के रंग भरे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुदरत और मानव के इस प्रतिस्पर्धा में मानव बहुत पीछे रह गया है। बेशक हमारे पास कुदरत जैसी अपार शक्तियां ना हो, लेकिन अपनी सोच और अपनी कल्पना से मानव ने बहुत से नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाया है। ऐसी ही एक नामुमकिन सी चीज है डैम्स यानी बांध। दोस्तों, आज के मॉडर्न डेज डैम्स कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मानव कुदरत द्वारा निर्मित किसी चीज से ज्यादा खूबसूरत चीज बना सकता है, तो आप एक बार ऑस्ट्रिया में बने मुजरबॉर्डन डैम को जरूर देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मानव समुद्र जितना विशाल जलाशय यानी रिजर्वायर नहीं बना सकता, तो आप एक बार चाइना के थ्री जॉर्जेस डैम को जरूर देखें। दोस्तों, आज दुनिया में बने डैम्स की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है तो कोई दुनिया का सबसे छोटा। लेकिन आज हम जिस डैम की बात करने वाले हैं, वो डैम ना तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और ना ही दुनिया का सबसे ऊंचा डैम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डैम की जिसका महत्व उसके आकार या उसकी संरचना से नहीं लगाया जा सकता। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डैम की जिसके निर्माण ने अकाल जैसी गंभीर समस्या को पूरी तरह समाप्त कर दिया। एक ऐसा डैम जिसे बिना सीमेंट के इस्तेमाल के बनाया गया। एक ऐसा डैम जिसे कल्पना से हकीकत में बदलने के लिए 80 साल लग गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदर्न इंडिया के राज्य कर्नाटका में बने तुंगभद्रा डैम की, जहां आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इस डैम के इतिहास, इस डैम के महत्व और इस डैम से जुड़े कुछ इश्यूज और डिस्प्यूट्स को आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 और GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ hours का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30th of September मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, तुंगभद्रा डैम, जिसे पंपा सागर डैम भी कहा जाता है, कर्नाटका राज्य के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में होसापेटे नाम की जगह पर बना हुआ एक मल्टीपर्पज डैम है। जैसे इस डैम के नाम से साफ है कि इस डैम को कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच बहने वाली तुंगभद्रा रिवर पर बनाया गया है। ये डैम इंडिया में मौजूद 2 नॉन सीमेंट डैम्स में से एक है, यानी इस डैम को बनाने में दूसरे डैम्स की तरह सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरअसल इस डैम को बनाने के लिए एक स्पेशल मोर्टार यानी एक स्पेशल मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे सुरकी कहा जाता है। सुरकी लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और मड यानी गीली मिट्टी का एक मिक्सचर होता है, जिसे मड में लाइमस्टोन मिलाकर बनाया जाता है। इस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज सीमेंट की तरह ही होती हैं, जो दो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। अगर हम इस डैम की कैपेसिटी की बात करें, तो 531 किलोमीटर लंबी तुंगभद्रा रिवर पर बना सबसे लार्जेस्ट डैम है ये। इस डैम की ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी 132 TMCF यानी 132
1000 मिलियन क्यूबिक फीट है। डैम की हाइट 162 फीट है। वहीं डैम का टोटल कैचमेंट एरिया 28,180 स्क्वायर किलोमीटर का है। साथ ही इस डैम पर हाइड्रो पावर जनरेशन यूनिट्स भी लगी हैं, जो सालाना 127 मेगावाट एनर्जी जनरेट करके देती हैं। आज ये मल्टीपर्पज डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य में इरिगेशन और डोमेस्टिक पर्पजेज में काम आने वाले वाटर रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा है। वहीं मॉनसून सेशन में तुंगभद्रा रिवर की डाउनस्ट्रीम साइड में आने वाली फ्लड्स को भी मिटिगेट करने में इस डैम का अहम योगदान रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जो तुंगभद्रा डैम हमारे सामने खड़ा है, उसे बनाने का सफर बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं इस डैम की कंस्ट्रक्शन जर्नी पर। दोस्तों, वैसे तो इस डैम को बनाने का काम ईयर 1949 में शुरू हुआ, जब आसपास के इलाकों में बढ़ रही पानी की जरूरत को देखते हुए किंगडम ऑफ हैदराबाद और मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत इस डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। लेकिन तुंगभद्रा रिवर पे इस तरह के किसी डैम को बनाने की कल्पना सालों पुरानी थी। सबसे पहले ईयर 1860 में इस डैम को बनाने का आइडिया ब्रिटिश इरीगेशन इंजीनियर सर आर्थर कॉटन के दिमाग में आया। दरअसल जिस जगह इस डैम को बनाने का विचार रखा गया, वो इलाका उन दिनों प्री इंडिपेंडेंस एरा के रायला सीमा रीजन में आया करता था। उन दिनों रायला सीमा में आज के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बेलेरी, अनंतपुर, कुर्नूल और कुडापा डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। रायला सीमा एक फेमीन प्रोन इलाका था, जहां कम बारिश के कारण हर दूसरे साल इंटेंस फेमीन कंडीशन क्रिएट हो जाती थी। कहा जाता है कि इस इलाके में उन दिनों किसी किसी साल तो ऐसा भीषण अकाल पड़ता था कि हफ्तों तक ना खाने के लिए एक दाना तक नहीं होता था और पीने को एक बूंद पानी भी नहीं। क्या इंसान और क्या जानवर, इलाके में रह रहे सभी प्राणी रायला सीमा के इस अकाल को देखकर त्राहिमाम कर उठते थे। इन सारी समस्याओं को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने तुंगभद्रा नदी के पानी को रोककर यहां एक डैम बनाने का फैसला किया और इस काम का जिम्मा सर आर्थर कॉटन को सौंपा गया। आर्थर कॉटन पहले भी गोदावरी नदी पर इस तरह का एक डैम बना चुके थे। कॉटन ने अपनी रिसर्च शुरू करी और आसपास की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझने का प्रयास किया, ताकि डैम को उसी जगह बनाया जाए जहां से ज्यादा इलाकों में राहत पहुंच सके। सालों की मेहनत के बाद कॉटन ने अपना पहला फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया और तय हुआ कि तुंगभद्रा का पानी रोककर पहले एक रिजर्वायर बनाया जाएगा और उसके बाद कैनाल सिस्टम्स की मदद से स्टोर्ड वाटर को अलग अलग इलाकों में इरिगेशन और डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए सप्लाई किया जाएगा। लेकिन कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी लोकल रिवोल्ट्स और कभी फंड्स की कमी के चलते आर्थर कॉटन की ये कल्पना अंग्रेजी फाइलों तले दब के रह गई। साल दर साल बीत गए और तुंगभद्रा पर डैम बनाने का सपना पानी की इस बूंद की तरह गायब हो गया, जो गर्म मिट्टी पर गिरते ही आंखों से ओझल हो जाती है। पर वो कहते हैं ना, व्यक्ति मरते हैं लेकिन उनके विचार नहीं। कॉटन का ये विचार फिर एक बार जीवित हो उठा जब ईयर 1940 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने आर्थर कॉटन के इस अधूरे काम को पूरा करने का फैसला लिया। इस बार इस काम का जिम्मा बेलेरी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एल वेंकटा कृष्ण अय्यर और किंगडम ऑफ हैदराबाद के चीफ इंजीनियर FM डाउली को सौंपा गया। एल वेंकटा अय्यर और FM डाउली ने आर्थर कॉटन के अधूरे मास्टरपीस के बचे हुए पीसेस को उसमें जोड़ने का काम किया। जून 1944 में किंगडम ऑफ हैदराबाद और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच एक समझौता साइन हुआ। समझौता तुंगभद्रा रिवर पर एक डैम बनाने का। डैम बनाने का काम मिड 1949 में शुरू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश के नए संविधान के लागू होने से अब इंडिया एक सोवर्न रिपब्लिक नेशन बन चुका था। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ हैदराबाद का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, जिसकी वजह से अब इस डैम को कंप्लीट करने का काम आजाद हिंदुस्तान के मैसूर और हैदराबाद स्टेट्स की गवर्नमेंट के पास आ गया। लगभग 4 साल तक इस डैम का काम चलता रहा, जिसके दरमियान 90 विलेजेस और वहां रह रहे 54,452 लोगों को दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया गया और आखिरकार ईयर 1953 में ये डैम बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद साल दर साल कभी इस डैम की रीच को एक्सटेंड किया गया तो कभी इसके साथ नए कैनाल, इरिगेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स जोड़े गए। और इसी तरह बीते पिछले 70 सालों से ये डैम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में रह रहे लोगों के जीवन को सरल और समृद्ध बना रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमें वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि सदर्न इंडिया में बहने वाली तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच से होकर गुजरती है।
इसी वजह से इन तीनों राज्यों के बीच अक्सर इस रिवर के वाटर यूटिलाइजेशन को लेकर डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। इन डिस्प्यूट्स की कहानी आजादी के बाद ईयर 1953 में पहले लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पर बने आंध्र प्रदेश से शुरू नहीं होती, बल्कि तुंगभद्रा नदी के पानी को लेकर विवाद तो कई सालों से चला आ रहा है। सबसे पहला नोटेड इंसिडेंट 1861 में रिकॉर्डेड है, जब कुर्नूल कुडप्पा कैनाल को लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर आमने सामने आ गए थे। बात इतनी बढ़ गई कि पानी आपस में शेयर करना तो दूर, दोनों इस विवाद पर बात करने तक को तैयार नहीं हुए। यही कारण रहा कि आर्थर कॉटन की लाख कोशिशों के बावजूद ये डैम प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। आजादी से पहले की ही तरह आजादी के बाद भी इस रिवर के वाटर को लेकर डिस्प्यूट जारी रहे, लेकिन तुंगभद्रा डैम के बनने के बाद वो डिस्प्यूट रिवर से निकलकर डैम पर आ पहुंचा, जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश का कहना है कि तुंगभद्रा डैम के कारण कर्नाटका की ओर से आने वाले तुंगभद्रा रिवर का नेचुरल वाटर फ्लो रिड्यूस हुआ है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में आने वाले तुंगभद्रा रिवर के वाटर सप्लाई में कमी आई है। वहीं कर्नाटका का मानना है कि क्योंकि तुंगभद्रा कर्नाटका में बहने वाली मेजर रिवर्स में से एक है और राज्य की एक बड़ी आबादी इस डैम से मिलने वाले पानी से अपने जनजीवन को चला रही है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश से होकर तेलंगाना एक नया राज्य बन गया, जिस वजह से अब इस कहानी में तेलंगाना नाम के एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई। प्लेयर कोई भी हो, लेकिन सबकी कहानी एक ही है। हर राज्य तुंगभद्रा डैम में स्टोर्ड हुए वाटर में से मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा चाहता है, ताकि अपने राज्य की जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, विवाद का एक बड़ा कारण तुंगभद्रा रिवर का नेचुरल कोर्स भी है। तुंगभद्रा रिवर जो कर्नाटका से निकलती है, आगे चलकर कृष्णा रिवर से मिल जाती है। वही कृष्णा रिवर जिसे इंडिया की सबसे डिस्प्यूटेड रिवर कंसीडर किया जाता है। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट इंडिया के ओल्डेस्ट रिवर डिस्प्यूट्स में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच है, क्योंकि तुंगभद्रा रिवर अपने नेचुरल कोर्स में कृष्णा रिवर को वाटर सप्लाई करने का काम करती है। इसी कारण तुंगभद्रा डैम में रिजर्व हुआ ज्यादा वाटर कृष्णा में फ्लो को कम कर देता है। इन कारणों के चलते तुंगभद्रा डैम को भी इन डिस्प्यूट्स के पीछे का एक बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, रिवर डिस्प्यूट्स आज हमारे देश समेत पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारी जरूरतों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इन वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारी सरकार वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से लेकर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिल जैसे रास्तों को तलाश चुकी है, लेकिन अभी तक इन कोशिशों का परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। इसके लिए सरकार को ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में ये रिवर डिस्प्यूट्स डैम डिस्प्यूट्स में न परिवर्तित हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुंगभद्रा डैम कभी अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा। आज भले ही तुंगभद्रा डैम लोगों को पानी मुहैया कराने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर तुंगभद्रा डैम के पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए तो ये डैम फ्यूचर में एक सस्टेनेबल इंडिया के सपने को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इस डैम की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पैदा होने वाले टोटल पावर आउटपुट को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिसकी सस्टेनेबल कार्बन फ्री एनर्जीज इंडिया के निर्माण में एक नींव का पत्थर साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा तुंगभद्रा डैम के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि किसी और डैम या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करें, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, द ऑनगोइंग रिवर वाटर डिस्प्यूट विद इन डिफरेंट इंडियन स्टेट इज अ मेजर हर्डल इन एक्सप्लोरिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ डैम्स इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।